हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सीसीटीवी के बारे में। सीसीटीवी क्या है और उसकी हिस्ट्री क्या है। अगर आप ईएलबी फिल्म में काम करते हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सीसीटीवी की हिस्ट्री क्या रही है, तब के टाइम में जब सीसीटीवी लॉन्च हुआ था और आज की टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, सीसीटीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। सीसीटीवी हम यूज क्यों करते हैं, तो आपने देखा होगा रोड पे, आपने देखा होगा गलियों पे, हर जगह सीसीटीवी यूज हो रहा है। सीसीटीवी सेफ्टी का आज के टाइम में लोग रोड वायलेशंस करते हैं, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशंस करते हैं, और आज के टाइम में कितनी चोरियां हो रही हैं, तो लोग अपने घरों में सीसीटीवी यूज करते हैं ताकि आपका घर सेफ रहे। इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे सीसीटीवी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और जनरल पर्पज से ताकि सेफ पर्पज से। दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो डिफेंस में सीसीटीवी सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी का यूज करते हैं। तो दोस्तों, अब हिस्ट्री बात करते हैं कि सीसीटीवी की हिस्ट्री क्या है। सीसीटीवी सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था, किसने लॉन्च किया था, किस कंट्री ने लॉन्च किया था। तो दोस्तों, सीसीटीवी 1942 में जर्मनी ने इसको ढूंढा था, और जर्मनी का एक वैज्ञानिक जिसका नाम था वॉल्टर ब्रुच, इन्होंने यूज किया था। इसको इन्वेंट करने का पर्पस क्या था, खोज करने का पर्पस क्या था, तो इनका एक रॉकेट था जिसका नाम था V2 रॉकेट। ये इसकी मॉनिटरिंग किया करते थे सीसीटीवी के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस था। बिकॉज उस टाइम अगर हम बात करते हैं स्टोरेज की, जो आज के टाइम में आप सीसीटीवी का फोटेज स्टोर करते हो, वो उस टाइम नहीं थी, तो सिर्फ सिर्फ ये लाइव मॉनिटरिंग करते थे। तो अब इन्होंने ढूंढ लिया, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको कमर्शियली लॉन्च किया जाए, थोड़ा पैसा कमाया जाए और लोगों को भी फायदा दिया जाए। तब अमेरिका ने इसकी जिम्मेदारी ली, और अमेरिकन गवर्नमेंट एक वेंडर है जिसका नाम है वेरिकन। ये 1949 में इन्होंने कमर्शियली प्रमोट किया था सीसीटीवी को, और प्रमोट किया, लोगों ने काफी सराहा, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। बट उस टाइम बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी दोस्तों, क्योंकि तब के टाइम में कोई स्टोरेज नहीं था, और आप उसके फोटेज को आप स्टोर नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ लाइव मॉनिटरिंग करते थे। तो फिर इसने क्या करा, प्रमोट शुरू किया, क्योंकि अमेरिका, आप जानते ही, अमेरिका बिजनेस, इनको पता है कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो एक बहुत बड़ा जो रेवोल्यूशन आया था, इन्होंने प्रमोट किया, उसके बाद जो सबसे बड़ा रेवोल्यूशन रहा है सीसीटीवी के टाइम में, वो रहा है 1970 में। तब वीसीआर टेक्नोलॉजी इन्होंने ढूंढा, और तब ये क्या करते थे, रील टू रील रिकॉर्ड किया करते थे और स्टोर किया करते थे सिग्नल को। बट ये इतना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट नहीं था, बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं था। ये रील टू रील इसको, इसके फोटेज को स्टोर करते थे। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले डिमेरिट क्या था, इसका टाइम बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा इनका लग रहा था, मैन पावर काफी जा रहा था। तो इसके बाद इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी लॉन्च करा, ये भी ये 1990s में ये टेक्नोलॉजी आई थी, जिसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पता होगा कि मल्टीप्लेक्सिंग होती क्या है, डी मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। आज के टाइम में जितने भी टेलीकॉम कंपनीज हैं, सब कोई मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। ये सिर्फ सीसीटीवी की बात नहीं है, ये आप किसी भी वीडियोस की अगर बात करते हैं, अगर वीडियो सिग्नल की बात करते हैं, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आप कर ही नहीं सकते। तो फिर भी अगर आपको तो पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअल में क्या है। क्या होता है कि मल्टीपल सिग्नल्स को आप सिंगल्स में कन्वर्ट करते हो, ये मल्टीप्लेक्सिंग होती है। अलग अलग सिग्नल्स आया आपका और आपने सिंगल में कन्वर्ट कर लिया। तो क्या होता था उस टाइम, आपका अलग अलग टाइम से 4-5 कैमरास आपने लगा दिया, और सिंगली यहां पे कन्वर्ट किया और एक रिकॉर्ड कर लिया, ये मल्टीप्लेक्सिंग हुआ करता था तब। अब क्या था, इसका डी मल्टीप्लेक्सिंग जैसे इसका अपोजिट होता है, आप तो जानते ही होंगे। इसके बाद जो बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया, और आज के टाइम में भी इसको अगर नोट करना चाहे तो आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बेटर होगा आपके लिए। ये डिजिटली, आप डिजिटली वर्ल्ड में इस टाइम सर्वाइव कर रहे हो, और डिजिटली इस टाइम एक 90s के टाइम में ही इन्होंने एक
जो टेक्नोलॉजी ढूंढी वो था DVR, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर क्या होता है? डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर में आप क्या करते हो, एक आपके पास एक बॉक्स होता है और कुछ नहीं होता, बॉक्स होता है, उसके अंदर आप हार्ड ड्राइव लगाते हो। जो हार्ड ड्राइव आप कंप्यूटर में लगाते हो वही सेम हार्ड ड्राइव इसके अंदर लगाते हो। बस जो हार्ड ड्राइव होती है ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की होती है, बिकॉज आप कंप्यूटर में क्या करते हो थोड़े टाइम के लिए यूज करते हो और आप बंद कर देते हो, अपने शट डाउन कर देते हो अपने सिस्टम को। बट ये आपका 24/7 चलता है, इसको आप बंद नहीं कर सकते हो क्योंकि आप मॉनिटरिंग पर्पज से और आप अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हो। तो एक बॉक्स होता है DVR, आप इसी के अंदर हार्ड ड्राइव लगाते हो, आप हार्ड ड्राइव लगाते हो और सीसीटीवी के जो सिग्नल्स आते हैं ये इस पर DVR पर टर्मिनेट होता है, और एक मॉनिटर लगाते हो आप और सीसीटीवी की यहां पे आपको मॉनिटरिंग दी जाती है, व्यू दिख जाता है, ठीक है। अब इसका हम एक सेशन रखेंगे, आपको मैं फिजिकली भी दिखाऊंगा कि एनालॉग कैमरास कैसे होते हैं और DVR कैसा होता है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है, आप DVR भी यूज हो रहा है बट इससे अच्छी टेक्नोलॉजी आज के टाइम में यूज हो रही है, वो हो रहा है NVR। NVR का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर। नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर में क्या होता है, वहां पे आप क्या करते हो पॉइंट टू पॉइंट आप कनेक्टिविटी बनाते हो। इसके केस में आप क्या करते हो, आज का टाइम पता है आपको कि आईटी कितना, आईटी पूरी दुनिया आईटी पे ही डिपेंड है, तो तब आप क्या करते हो कैमरा आप अलग अलग फील्ड में आप कैमरा लगाते हो, स्विच लगाते हो आप, स्विच के बाद NVR लगाते हो, देन मॉनिटर लगाते हो और आप देखते हो। तो इसमें क्या होता है सेम अपने इसके ऊपर आपने टर्मिनेट किया मल्टीपल्स पे और NVR, तो आप इसमें रिकॉर्ड NVR में रिकॉर्ड करते हो और आपको डिस्प्ले के ऊपर आपको ये कैमरा सारा दिख जाता है। तो इसका भी एक सेशन रखेंगे, आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि NVR कैसे काम करता है, आपको फिजिकली भी NVR आपको नेटवर्क कैमरा दिखाऊंगा, NVR दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो दोस्तों मेरे ख्याल से, और ये हाँ ये आया कब था, 1996 में एक्सिस कम्युनिकेशन कंपनी ने इसको लॉन्च किया था, इन्वेंट किया था। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज का सेशन इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो पिछला वीडियो था मेरा बहुत लंबा हो गया था, 20 मिनट्स का, लोगों ने बहुत कमेंट करके बताया कि ये बहुत लंबा वीडियो, लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो मैंने शॉर्ट में ही आज वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको फायदा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अब मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में प्रमोट करें, शेयर करें ताकि मेरा चैनल चल सके, और हाँ अब मेरे साथ बने रहें ताकि मैंने खुद से कमिट किया है कि आप लोगों को जब तक मैं ELV का मास्टर ना बना दूं मैं शांत नहीं रहने वाला हूं, लेकिन आपको इसके लिए मेरा साथ देना पड़ेगा, आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।